दोस्तों जंग हो या लड़ाई, अगर आपको जीतनी है तो आपको हथियार की तो जरूरत पड़ेगी ही। लेकिन जब हम बात करते हैं हथियार की, तो सबसे पॉपुलर हथियार है बंदूक, क्योंकि बिना किसी बंदूक के हम कोई भी जंग नहीं जीत सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस बंदूक में लगने वाली गोली आखिर बनती कैसे है, और ऐसा क्या होता है उस छोटी सी गोली में कि अगर वो किसी के शरीर में घुस जाए तो पल भर में ही सामने वाले की जान निकाल लेती है। तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे 5 बुलेट्स के बारे में, 5 सबसे खतरनाक बुलेट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बुलेट आती है होलो पॉइंट्स। ये एक ऐसी बुलेट है जिसको हम फैलने वाली बुलेट भी कहते हैं। इसका प्रयोग अमेरिकन आर्मी ज्यादातर करती है, क्योंकि ये बुलेट ऐसी है कि ये लगने के बाद अंदर शरीर में फैल जाती है, जिससे कि ये शरीर को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसका प्रयोग ज्यादातर अमेरिकन और अन्य देशों में किया जाता है, क्योंकि ये एक बार जब शरीर में लगती है तो शरीर में जाकर ये फैल जाती है और ज्यादा से ज्यादा टिश्यूज को डैमेज कर देती है। सेकंड बुलेट है 0.577 डायनासोर। ये एक बहुत ही शक्तिशाली राइफल का कारतूस है, जिसको 1993 में जिम्बाब्वे ने विकसित किया। पहले इस गोली का इस्तेमाल अमीर लोगों की जान बचाने के लिए किया जाता था जंगली जानवरों से, और ये बहुत ही खतरनाक गोली साबित हो चुकी है। थर्ड आती है ड्रैगन ब्रीथ राउंड्स, जिसमें मैग्नीशियम पायलट और सॉल्ट की मदद से इस गोली को बनाया गया है। ये गोली अच्छी और बहुत ही खतरनाक साबित हो चुकी है। इस गोली को सिर्फ हल के लिए इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, इसका टेक्निकल लेवल पे कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये गोली बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब इस गोली से राउंड फायर किया जाता है तो इस गोली से आपकी लपटें निकलती हैं जो करीब 100 मीटर तक जाती हैं, जो कि बहुत ही जानलेवा है। और अगर इस गोली को किसी सूखी जगह पे चलाया जाए तो वो जगह आग भी पकड़ सकती है। बात करते हैं फोर्थ बुलेट माइक्रो जेट्स के बारे में। ये बहुत ही कमाल की बुलेट है, इसको हम छोटा रॉकेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बुलेट पहले तो धीरे रहती है, फिर ये बहुत ही तेज हो जाती है और अपनी टारगेट की ओर बढ़ने लग जाती है। इसकी जो बंदूक है बहुत ही हल्की होती है। इसको रॉकेट हम इसलिए भी कहते हैं, जैसे कि रॉकेट जब आसमान में उड़ता है तो शुरुआत में स्पीड धीमे रहती है, और जैसे जैसे वो ऊपर उड़ता रहता है उसकी स्पीड तेज हो जाती है। सेम इस बुलेट के साथ भी है, इसकी बुलेट की स्पीड भी पहले धीमे रहेगी और उसके बाद इस बुलेट की स्पीड तेज हो जाएगी, लेकिन ये बुलेट बहुत ही महंगी आती है। बात करते हैं फिफ्थ और लास्ट बुलेट के बारे में, डिफेंसिव अमिनेशन। ये बुलेट किसी भी कमर्शियल यूज के लिए नहीं है, क्योंकि इसको टेररिस्ट को मारने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये गोली बहुत ही वाद विवाद में फंसी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके खिलाफ है, क्योंकि इस गोली को सुअर से बनाया जाता है और इस्लाम में सुअर के ऊपर पाबंदी है, इसलिए इस गोली को बहुत से देशों में बैन कर दिया गया है। लेकिन ये गोली बहुत ही खतरनाक भी है। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने जानी 5 अमेजिंग बुलेट्स के बारे में। तो इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग और अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड मैं आप वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो।